चलिए अब हम लोग इसमें देखते हैं कि वर्ण विच्छेद में सबसे महत्वपूर्ण चीज यह देखा जाता है कि इसमें स्वर और मात्रा, तो स्वर और मात्रा का ज्ञान अति आवश्यक है, क्योंकि बिना स्वर और मात्रा से हम वर्ण विच्छेद नहीं बना सकते। जैसे देखिए अ आ ई ई उ री ए ऐ ओ औ, है ना, यानी स्वर कितना हो गया, हम लोग जानते हैं कि 11 स्वर कितने हैं, तो 11 है। अब हम लोग इस बात पे ध्यान देंगे कि मात्रा जो है, जिसमें देखिए अ के सामने डैश किया हुआ, यानी अ की कोई मात्रा नहीं होती है, तो इसकी मात्रा आकार हर्षाई दीर्घाई हर्षौ दीर्घौ री ए ऐ ओ औ, यानी यह हो गया कितना 10, क्योंकि 11 यह अगर है और 11 यह है, लेकिन अ की मात्रा नहीं, यानी 1 क्या हो गया माइनस हो गया, तो 10 बचा, यानी मात्रा कितना होता है तो 10। याद रखेंगे स्वर 11 और मात्रा 10। अब देखिए हम लोग चाहे किसी भी हो, है ना, सभी व्यंजन में अ की ध्वनि मिली हुई रहती है, चाहे आप क का उच्चारण करें, ख का उच्चारण करें, या कोई भी वर्ण का उच्चारण हम करेंगे तो उसमें क्या रहेगा, अ की ध्वनि मिली हुई रहती है। जैसे क उच्चारण किए क, तो क के बाद क्या आ रहा है, अ आ रहा है। यदि ज का उच्चारण करते हैं ज, तो ज के बाद भी आ रहा है। तो इस स्थिति में हम लोग, है ना, यही कारण हम लोग व्यंजन के नीचे हल चिन्ह लगा देते हैं, यानी हल यानी हलंत का चिन्ह लगा देते हैं। कब, जब वर्ण विच्छेद करते हैं, है ना, तो किसी सभी व्यंजन के नीचे हमें हलंत लगाना पड़ता है, नहीं तो वर्ण विच्छेद गलत हो जाएगा। जैसे यहाँ पर हमने जल का बनाया है ज अल, तो देखिए कि ज के बाद यहाँ हलंत दे दिए, आप लोग को दिखाई दे रहा है, यानी क्योंकि यह क्या है, व्यंजन है, इसलिए व्यंजन के नीचे हलंत लगा दिए। तो जोर ल के नीचे भी देखिए यहाँ व्यंजन है, इसलिए नीचे हलंत लगा हुआ ल जोर अ, है ना। तो यह ध्यान रखेंगे हम लोग कि किसी भी व्यंजन के नीचे हलंत जरूर लगाएंगे। दूसरी नंबर बात, जिस व्यंजन के साथ कोई मात्रा नहीं लगा हुआ हो उसमें हम लोग अ अपना मन से लगा देंगे, तभी आपका वर्ण विच्छेद सही हो पाएगा, नहीं तो वर्ण विच्छेद आपका गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही आपको अध्ययन कराते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपको वर्ण विच्छेद बनाकर बतलाएंगे। धन्यवाद।